हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखा था एकदम स्क्रैच से, और हमने सीखा था कि अगर आपके पास बहुत सारे इनपुट कॉलम्स हैं तो उनके लिए आप कोफिशियंट्स और इंटरसेप्ट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उस फॉर्मुलेशन को यूज करके स्क्रैच से हमारा खुद का लीनियर रिग्रेशन का क्लास बनाएंगे और उसको कंपेयर करेंगे साइकिटलर्न के लीनियर रिग्रेशन से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जस्ट टू समराइज, हमने लास्ट क्लास में जो फॉर्मुलेशन देखा था उसके हिसाब से हमारे पास बीटा का वैल्यू आ रहा था एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, राइट? दिस वाज द फॉर्मुलेशन जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। ठीक है, एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे ये अलग अलग टर्म्स क्या बता रहे हैं। एक्स इज बेसिकली अ मैट्रिक्स, जैसे कि लेट्स से आपके पास सी जी पी ए और आई क्यू और जेंडर, ये आपके इनपुट कॉलम्स हैं और यहाँ पे सभी जगह वैल्यूज हैं। मान लो हमारे पास 100 स्टूडेंट की वैल्यूज हैं, तो ये जो मैट्रिक्स होगा इसका शेप होगा 100, 3 100 रोज 3 कॉलम्स, बट हमें इन सब के आगे 1 लगाना था तो इसका शेप एक्चुअली हो जाता है 100, 4। तो एक्स इज दिस मैट्रिक्स जब आप आगे 1 लगा देते हो अपने इनपुट के। ठीक है, वाई क्या है, वाई है आपका एलपीए वाला आउटपुट कॉलम। ठीक है, सो इसका शेप होगा ओनली 100, ये 1D होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक्सट्रीम मतलब एक्स इज योर एक्सट्रीम, थोड़ा सा उसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, आगे 1 लगा रहे हो, और जो वाई है दैट इज योर वाई ट्रेन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक डेटा सेट लेंगे। हमारे पास एक डेटा सेट है, डायबिटीज का डेटा सेट है पेशेंट का। हम इसके ऊपर पहले scikit-learn वाला लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करके R2-score कैलकुलेट करेंगे और फिर हम हमारा खुद का बनाएंगे एक क्लास और उसके थ्रू हम R2-score निकालेंगे एंड वी विल सी कि ये दोनों सेम है कि नहीं। ठीक है, और अगर हम कर पाए इसका मतलब हमने अपना खुद का क्लास बना लिया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास ये कोड है, इसमें थोड़ा कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ऑनेस्टली, क्योंकि आपको पता है वो कोड करना। सो ये sklearn. मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सो sklearn. datasets बोल के आपके पास एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर लोड डायबिटीज बोल के फंक्शन है। सो आपके पास एक्चुअली ये एक scikit-learn के अंदर पहले से डेटा सेट आता है, इनफैक्ट मल्टीपल डेटा सेट है, उनमें से एक डेटा सेट है ये डायबिटीज वाला जिसमें 442 पेशेंट्स का डेटा है और देर आर 10 इनपुट कॉलम्स और एक आउटपुट कॉलम है। ठीक है, और ये आपके इनपुट कॉलम्स है, एज, सेक्स, BMI, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स, ये सब चीजें आपकी इनपुट है और आप बहुत ईजिली इसको यूज कर सकते हो बाय कॉलिंग दिस फंक्शन लोड डायबिटीज। तो scikit-learn इंटरनली क्या करता है, उसको नंबर एरे में कन्वर्ट करके ही आपको देता है दो चीजें, आपके सारे इनपुट्स और आपका आउटपुट, बेसिकली एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट करके देता है। ये देखो, ये रहा आपका एक्स। सो अगर आप एक्स का शेप निकालो तो यू वुड सी कि एक्स का शेप इज 442, 10। ठीक है, और ये रहा आपका वाई, और वाई का शेप है 442 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है। ठीक है, अब इस डेटा में कुछ भी प्री प्रोसेसिंग करने का जरूरत नहीं है, डेटा एकदम परफेक्ट है। सो मैंने इसके ऊपर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाया और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाने के बाद अब 353 रोज ट्रेन में है और बाकी के 89 रोज टेस्ट में है। फिर मैंने लीनियर रिग्रेशन को कॉल किया scikit-learn वाले को, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर हमने क्या किया, उस मॉडल को ट्रेन कर दिया, reg.fit x train y train। ये मॉडल ट्रेन हो गया, मॉडल ट्रेन होने का मतलब सारे कोफिशिएंट्स कैलकुलेट हो गए, बीटा का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। फिर मैंने प्रिडिक्ट किया एक्स टेस्ट के ऊपर और सारे प्रेडिक्शंस को वाई प्रेड में स्टोर कर दिया और फिर मैंने R2-score को बुला के जब कैलकुलेशन किया तो 0.43 आ रहा था मेरा R2-score। ठीक है, और जब मैंने कोफिशिएंट्स निकाले तो ये रहे वो कोफिशिएंट्स। सो हमारे पास 10 इनपुट कॉलम्स हैं, मतलब बीटा 1 से लेके बीटा 10 तक 10 स्लोप वैल्यूज होंगी, या अगर आप काउंट करो 1, 2, 3, 4, 4+4, 8 और 2, 10। ठीक है, और एक आपके पास बीटा नॉट होगा विच इज योर इंटरसेप्ट वैल्यू। ठीक है, सो इंटरनली हमारा scikit-learn अपना काम कर दिया। ठीक है, अब ये सेम काम हमें करना है हमारे खुद के कोड से। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट माय ओन क्लास। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने,
और आई वुड रिकमेंड आप भी मेरे साथ करो, देन आप थोड़ा ज्यादा समझ पाओगे, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एक क्लास बना रहे हैं मेरा एल आर बोल के, एज इन मेरा लीनियर रिग्रेशन, ओके। और इसके अंदर सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्टर डालना पड़ेगा जिसमें आप सेल्फ पास करोगे, और कंस्ट्रक्टर में आप दो वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहे हो। फर्स्ट वैल्यू इज कोएफिशिएंट और इसका इनिशियल वैल्यू इज नन, और सेकंड इज इंटरसेप्ट और इसका भी इनिशियल वैल्यू इज नन, ठीक है। ये आपका अभी तक का फंक्शन हो गया। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा और ऊपर चला जाता हूँ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक और फंक्शन बना रहे हैं बाय द नेम ऑफ फिट। फिट को सेल्फ के अलावा एक्स ट्रेन की जरूरत पड़ेगी और वाई ट्रेन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और फिलहाल मैं यहाँ पे पास लिख दे रहा हूँ। और फिर मैं एक लास्ट फंक्शन बना रहा हूँ बाय द नेम ऑफ प्रिडिक्ट। इसको सेल्फ की जरूरत पड़ेगी और एक्स टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पास, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर फिलहाल एक बार बस देख लेते हैं कि हमारे पास जो एक्स ट्रेन आ रहा है क्या वो सही से आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सो दिस इज द क्लास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एल आर, मेरा एल आर क्लास का। अब जो हमारा एल आर ऑब्जेक्ट होगा वो इतनी चीजें कर सकता है। सो मैंने फिट को कॉल करके अपना एक्चुअल एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पास किया, एंड यू कैन सी ये शेप मुझे प्रिंट करके दे रहा है 353/10, ठीक है। सो इतना तो हो पा रहा है कि हमारा क्लास हमारा डेटा रिसीव कर पा रहा है, ठीक है। अब देखो, करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मेरे पास एक्स ट्रेन है, मेरे पास वाई ट्रेन है, मुझे बीटा वाला मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। मुझे और कुछ करना नहीं है। बस एक प्रॉब्लम है कि जो एक्स ट्रेन है, ये एक्स ट्रेन में अभी ये आगे वन नहीं लगे हुए हैं, ये कॉलम हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे np.insert बोल के। ये एक फंक्शन होता है जहां पे आप एक पूरा का पूरा नया कॉलम ऐड कर सकते हो यूजिंग दिस सिंटेक्स, ठीक है। आप एक बार ये पेज देख लेना, मैं आपको समझा देता हूँ उस पर। बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे ये कोड लिखोगे, आप लिखोगे np.insert। सबसे पहले आप बताते हो कि आपको कौन से एरे के अंदर चेंजेस करने हैं, सेकेंड आप बताते हो आपको कौन से इंडेक्स पे चेंजेस करने हैं, थर्ड आप बताते हो आपको क्या चेंजेस करने हैं, मुझे सारी वन वैल्यूज डालनी है, और फिर आप बताते हो कौन से एक्सेस पे, एक्सेस इक्वल टू वन, बिकॉज मुझे कॉलम लेवल चेंजेस करने हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये सेम कोड रन करके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सो दैट आपको समझ में आए। सो इस पॉइंट पे अगर आप एक्स ट्रेन को देखो तो हर रो में पहला वैल्यू इज नॉट वन, क्लियरली यू विल सी। बट अगर मैं ये कोड लिखूं तो यू वुड सी कि हर रो में आगे वन आ चुका है। देखो, अगर मैं एक्स ट्रेन का शेप निकालूं तो इट इज 353/10, और अगर मैं इस एरे का शेप निकालूं तो इट इज 353/11। सो हमने वो वन ऐड कर दिया, ठीक है। तो बस मैं वही कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इसको वापस एक्स ट्रेन में डाल दूं, क्योंकि ये परमानेंट चेंजेस नहीं करता ये वाला कोड, ठीक है। अब बस मुझे क्या करना है, आई हैव टू कैलकुलेट The coefficients, ठीक है। और उसके लिए बस मुझे फॉर्मूला लगाना है ये वाला, और ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये इनवर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है दिस वन, numpy.linearalgebra.inverse। अगर यहाँ पे आप एक मैट्रिक्स देते हो तो ये मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करके आपको दे देता है, आपको कुछ खास करना नहीं है यहाँ पे। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे np.linearalgebra.inverse। अब यहाँ पे इनवर्स में मुझे क्या डालना है, मुझे इनवर्स में इन दोनों मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट डालना है। तो मैं लिखूंगा np.np.dot, और यहाँ पे मैं पास करूंगा पहले मेरा एक्स ट्रेन का ट्रांसपोज, सो मैं लिखूंगा एक्स ट्रेन डॉट टी कॉमा एक्स ट्रेन, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, और मतलब इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जो भी इनवर्स का रिजल्ट आएगा उसको मुझे एक्स ट्रांसपोज से डॉट प्रोडक्ट करना है। तो मैं लिखूंगा डॉट डॉट, और यहां पे मैं डाल दूंगा एक्स ट्रेन का ट्रांसपोज, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है वाई के साथ,
तो मैं फिर से लिखूंगा डॉट वाइट नेम एंड दैट्स द कोड. ठीक है, दिस विल गिव मी ऑल द बीटास. ठीक है, और मैं काम करता हूं, मैं प्रिंट करता हूं जो भी बीटास के अंदर है. ठीक है, जस्ट टू शो यू कि क्या आ रहा है. तो यहाँ पे बीटा नॉट से लेके बीटा 11 तक वैल्यूज है, बीटा 10 तक वैल्यूज आएंगे. ठीक है, सो एक बार रन कर रहा हूँ मैं इसको. फिर से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने फिर से मॉडल को ट्रेन किया और देखो जैसे ही मैंने ट्रेन किया ये वैल्यूज आ रही है. सो ये मेरा इंटरसेप्ट वैल्यू है, ये मेरा पहला स्लोप, दूसरा स्लोप और ऐसे करके 10 स्लोप्स है. अब बस मुझे क्या करना है, इसको अलग निकाल लेना है और बाकी सबको अलग निकाल लेना है. सो बहुत सिंपल है वो, मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट इज इक्वल टू बीटास का जीरोथ आइटम और सेल्फ डॉट कोएफिशिएंट इज इक्वल टू बीटास का वन ऑनवर्ड्स जो भी है. ठीक है, एंड दैट्स इट, मेरा मॉडल ट्रेनिंग हो गया, मॉडल ट्रेन हो गया. ठीक है, अब बस मुझे क्या करना है, मुझे टेस्ट करना है. आई हैव टू टेस्ट, मतलब प्रिडिक्ट करना है. ठीक है, अब प्रिडिक्ट करना बहुत सिंपल है. प्रिडिक्ट करने के केस में आपको बस क्या करना होता है कि आपको एक एक्स टेस्ट मिलता है. ठीक है, आपके पास ऑलरेडी बीटा नॉट है और आपके पास बीटा 1 से लेके बीटा 10 तक है. अगर आपके पास 10 कॉलम्स है इनपुट में, अब मान लो 3 ही कॉलम्स होते हैं इनपुट में, तो ये इक्वेशन बन जाता है y कैलकुलेट करने के लिए. बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स 1 प्लस बीटा 2 एक्स 2 प्लस बीटा 3 एक्स 3. इसको आप लिख सकते हो बीटा नॉट प्लस एनपी डॉट और यहाँ पे आप बीटा और x टेस्ट का डॉट प्रोडक्ट कर दो. सो बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना, मुझे x टेस्ट का डॉट प्रोडक्ट निकालना है मेरे कोफिशियंट वाले मैट्रिक्स से, इस वाले मैट्रिक्स से, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें मुझे ये ऐड कर देना है बीटा नॉट. सो अगर आप देखो x टेस्ट जो है मेरे केस में, x टेस्ट जो मेरे केस में है उसका शेप है 89/10. मैं एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पे 89/10 और जो मेरा कोफिशियंट वाला मैट्रिक्स आया है उसका शेप है 10, उसमें 10 वैल्यूज हैं. ठीक है, सो अगर आप, या मान लो इसको 10.1 मान लो. ठीक है, अब अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 89.1. सो बेसिकली फॉर ईच ऑफ योर रोज, आपके एक्स टेस्ट में 89 रोज है, राइट, मतलब 89 लोगों का डेटा है. फॉर एवरी 89 रो, फॉर ईच ऑफ द 89 रोज आपको एक वैल्यू मिल रही है. ठीक है, अब आप उसमें क्या करोगे, ऐड कर दोगे बीटा नॉट. सो हर वैल्यू में बीटा नॉट ऐड कर दोगे, स्केलर एडिशन होगा और जो रिजल्टेंट होगा वो अभी भी 89.1 होगा और यही आपका वाइप्रेड 89 लोगों का है. ठीक है, तो अब बस हमें क्या करना है, कि हमें बस एक्स टेस्ट में आके ये कोड लिखना है. हमें लिखना है कि हमारा वाइप्रेड विल बी इक्वल टू एनपी डॉट एक्स टेस्ट कॉमा सेल्फ डॉट कोएफिशिएंट और जो भी रिजल्ट आएगा प्लस सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट अंडरस्कोर. ठीक है, और हमें बस रिटर्न कर देना है वाइप्रेड को. That's it guys, this is the code. और ये मेरा मॉडल, मतलब मेरा एल्गोरिदम इज रेडी. अब मैं इसको ट्रेन कर रहा हूँ, मॉडल ट्रेन हो गया और अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रिडिक्ट करूंगा. सो आई वुड राइट lr डॉट प्रिडिक्ट और यहाँ पे मैं पास करूंगा अपना x टेस्ट और ये मुझे पलट करके, सी ये सारी वैल्यूज दे रहा है 89 वैल्यूज, 1 फॉर ईच रो. सो ये मेरा वाइप्रेड बन जाएगा लाइक दिस. और अब मुझे बस कुछ नहीं करना, R2 स्कोर कैलकुलेट करना है यूजिंग माय ओरिजिनल एक्स टेस्ट एंड माय वाइप्रेड एंड ये रहा गाइस हमारा आंसर 0.4399. अगर मैं ऊपर दिखाऊं ये रहा हमारा आउटपुट. ठीक है, अब मैं आपको कोफिशिएंट्स दिखाता हूं और इंटरसेप्ट वैल्यू दिखाता हूं. सो अगर मैं लिखूं lr डॉट कोएफिशिएंट्स
सो ये मेरे कोफिशिएंट्स हैं, -9.160 -9.160 -205 -205, एग्जैक्टली सेम। और अब अगर मैं लिखूं एल आर डॉट इंटरसेप्ट, दिस इज 151.88 जो कि यहाँ पे था। सो यू कैन सी हमने जस्ट इतना सा कोड लिख करके हमारा खुद का लीनियर रिग्रेशन क्लास बना लिया, हमें scikit-learn के क्लास की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आपका काम ये है कि आप इसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस के लिए टेस्ट करो, जब आपके पास सिर्फ एक इनपुट है और एक आउटपुट है, और इसको कंपेयर करो ओरिजिनल लीनियर रिग्रेशन वाली क्लास से, गेस व्हाट, आपका वैल्यू सेम आएगा। ये एक जनरल कोड है जो हायर डायमेंशन में भी अच्छे से काम करेगा, लोअर डायमेंशन में भी अच्छे से काम करेगा। ठीक है, जब मैंने पहली बार ये कोड किया था, आई फेल्ट नाइस कि मैंने एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया जो मैं किसी को अगर दे दूँ तो वो भी यूज कर सकता है। सो दिस वॉज अ नाइस स्टार्ट टू माई मशीन लर्निंग जर्नी। सो आई होप आपको भी मजा आया ये पूरी चीज करके, एक बार खुद से करना और मजा आएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।